नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मों के आधार पर फल प्रदान करने वाला ग्रह कहा गया है। ज्योतिष में इनका स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, तो इन्हें दंडाधिकारी भी कहा गया है। कहा जाता है कि कलयुग में शनि देव के पास ही व्यक्ति का अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के आधार पर वो फल भी प्रदान करते हैं। साल 2022 के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। शनि देव दिसंबर माह में स्वराशि यानी कि मकर राशि में मार्गी हैं। दिसंबर में मकर, कुंभ, धनु, मिथुन और तुला राशि पर शनि की टेढ़ी नजर है, इसीलिए इन राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहना होगा। आइए जानते हैं इन राशियों के जातकों को शनि की टेढ़ी चाल से बचने के लिए क्या उपाय करने होंगे। कुंभ, मकर और धनु राशि में शनि की 7.5 चल रही है, तो वहीं दिसंबर महीने में ही मिथुन और तुला राशि में शनि की ढैया चल रही है। शनि देव को अनुशासन अति प्रिय है और अनुशासन का पालन नहीं करने पर, नियम तोड़ने पर शनि देव रुष्ट हो जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। शनि देव अगर नाराज होते हैं तो व्यक्ति का जीवन दुख, संकट और परेशानियों से भर जाता है। व्यक्ति को हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि शनि देव की नाराजगी से बच सके। मेहनत करने वालों का कभी अपमान ना करें, कमजोर व्यक्ति का शोषण ना करें, अपने अधीन काम करने वालों को कभी भी परेशान ना करें। इसके अलावा पशु, पक्षी और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, भूल कर भी अन्न की बर्बादी ना करें, किसी के साथ गलत करने या धोखा देने से बचें, नियमों का पालन जरूर करें और किसी भी गलत कार्यों से बचें। ऐसे में शनि की टेढ़ी नजर से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।